सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वैली ज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा हूँ भैया। आज की जो है यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बाहर आ रखे हैं, तो मैं कहा चलो जी अपनी फैमिली के लिए जो है वीडियो बनाई जाए। फोन में मेरे पास थे यहाँ पर नोट्स, तो मैं कहा चलो इसी से बना लेते। थोड़ा सा यार बियर कर लेना, ऑडियो का जो थोड़ा सा इशू हो सकता है क्योंकि भैया ऑब्वियसली बाहर है और माइक जो है मेरे पास नहीं है। तो हमारा लेबर लॉ का चल रहा था, उसके अंदर हमने वेजेस का जो है कर रहे थे डिस्कस। तो उसके अंदर हमारा अब अलाउड डिडक्शन, पहले बात तो डिडक्शंस कौन कौन सी करी जा सकती हैं, अलाउड कौन सी नहीं है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। तो डिडक्शंस विच मे बी मेड फ्रॉम वेजेस, सेक्शन 7(1) जो है वो कह रहा है इट लेज डाउन जनरल प्रोहिबिशन अगेंस्ट एनी डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस ऑफ द वर्कर। तो ये जनरल प्रोहिबिशन बता रहा है कि कौन कौन से उसमें जो है वो डिडक्शन नहीं कर सकता, कौन? एम्प्लॉयर। अब आता है इसमें अंदर हमारा डीम्ड डिडक्शन। डीम्ड डिडक्शन क्या है? एवरी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर मेड बाय द एम्प्लॉयड पर्सन टू द एम्प्लॉयर और हिज एजेंट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू बी डीम्ड टू बी द डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस। ठीक है जी। सो हर पेमेंट जो कि एम्प्लॉयड पर्सन के द्वारा जो है दी जा रही, मतलब एम्प्लॉयर को ही दी जा रही, मतलब एम्प्लॉयर के थ्रू ही दी जा रही है, या फिर जो है उसके एजेंट के थ्रू, मतलब तुम जहां पर काम कर रहे हो तुम्हारे बॉस के थ्रू या फिर तुम्हारे बॉस के एजेंट के थ्रू जो तुम्हें जो दी जा रही है वो जो है डीम डिडक्शन उसके अंदर आ जाएगी वेजेस में से जो कट रहा है। एनी लॉसेस ऑफ द वेजेस रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन पेनल्टीज इज नॉट टू बी डीम्ड एज अ डिडक्शन व्हेन इम्पोज्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टिपुलेटेड रिक्वायरमेंट इफ एनी एज लेड डाउन बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। तो दीज पेनल्टीज आ रहा है। अब उस केस में कौन कौन सी पेनल्टीज जो है तुम्हारे ऊपर लग सकती है अगर तुम लोग पे फालतू में जो है काटते हो, तो पेनल्टीज जो है गवर्नमेंट ने दी हुई है वो जो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पिक्चर इन पिक्चर मोड में चल रहा है सारा कुछ, तो बड़ा छोटा दिख रहा है। सेक्शन 7(2) जो है वो कह रहा है, सेक्शन 7(2) अथोराइज्ड डिडक्शन। तो इसके अंदर अब ये देख लेते हैं कौन कौन सी अथोराइज्ड है डिडक्शन, पहले ये देख लेते हैं हम। इसके अंदर पहला है फाइन्स। ठीक है जी। तो फाइन्स जो है यहाँ पर अथोराइज्ड डिडक्शन आता है। एम्प्लॉयर एम्पावर्स द एम्प्लॉयर टू डिडक्ट फाइन्स फ्रॉम द वेजेस ऑफ एन एम्प्लॉयड पर्सन। ठीक है जी। फॉलोइंग रेट रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन्स, नो फाइन इफ ही अरे यार ये बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर ना। नो फाइन इफ ही हैज बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द फाइन, फाइन शैल नॉट एक्सीड 3%। हाँ, अब ये यहाँ पर फाइन की जो है यहाँ पर बात ये कर रहा है कि जो एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट कर सकता है फाइन किसके, वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन के, लेकिन कुछ रूल्स हैं उस फाइन को भी अगर वो डिडक्ट करना चाह रहा है एम्प्लॉयर, तो वो है फाइन जो है वो पहले अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसको पूरा अपना केस समझाने के लिए कि इस कारण की वजह से मेरा फाइन कटा था तो भैया मुझे माफ कर दिया जाए फाइन, या फिर फाइन शैल नॉट एक्सीड 3% ऑफ द वेज। अब जो 3% है उससे ज्यादा फाइन नहीं होना चाहिए। कोई 100 रुपए कमा रहा है तो 3 रुपए से ज्यादा जो है एज अ फाइन जो है उसके ऊपर नहीं लगाया जा सकता और डिडक्ट नहीं करा जा सकता। नो फाइन टू पर्सन अंडर एज ऑफ 15। ठीक है जी। नो फाइन शैल बी रिकवर्ड बाय इंस्टॉलमेंट और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम दी डे ऑन विच इट वॉज इम्पोज। तो कोई भी फाइन डिडक्शन के थ्रू रिकवर नहीं किया जा सकता किसी भी इंस्टॉलमेंट और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज फ्रॉम द डे, जब से वो लगाया उसके बाद 90 दिन तक का तुम्हारे पास समय है, तुम तभी उस फाइन को जो है डिडक्शन की फॉर्म में जो है वापसी ले सकते हो। फाइन शैल नॉट हैव बीन इम्पोज ऑन द डे ऑफ एक्ट और ओमिशन। फाइन जो है उस दिन से इम्पोज नहीं होता जब से एक्ट और ओमिशन हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कंटिन्यूशन में। All fines and all realizations thereof shall by recorded in the register to be kept by person responsible from payment of wages. तो वही चीज कह रहा है, जितने भी fine या realizations जो भी है वो एक register maintain होगा to be kept by person responsible for जो भी person जो wages वगैरह के लिए बनाता है, जो wages के हिसाब किताब रखता है उसके पास होना चाहिए। दूसरा है deductions for absence from duty। तो सेक्शन 9 लेज डाउन द रूल्स ऑफ दिस इन दिस रिस्पेक्ट। सेक्शन 9 जो इसके ऊपर डील कर रहा है, क्या डील कर रहा है ये? डिडक्शन मे बी मेड फ्रॉम वेजेस व्हेन एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द प्लेस ऑफ द ड्यूटी वेयर ही इज रिक्वायर्ड टू वर्क। हाँ, अब उस केस में डिडक्शन जो है करी जा सकती है अगर वो छुट्टी पर चला जाए, कौन? वर्कर। द अमाउंट डिडक्टेड फॉर एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी शैल नॉट एक्सीड अ सम व्हिच बियर्स द सेम रिलेशनशिप टू द वेजेस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेज पीरियड एज दिस पीरियड एब्सेंस डज टू सच वेज पीरियड। तो वो वेज पीरियड जो है और जितनी वेज है उससे ज्यादा जो है वो नहीं हो सकती, उसकी छुट्टी का पैसा नहीं कट सकता। इफ 10 और मोर एम्प्लॉयड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विदाउट
ड्यू नोटिस इन सच डिडक्शन अमाउंट शैल नॉट एक्सीडिंग हिज वेज फॉर 8 days. तो अगर बहुत सारे 10 या 10 से ज्यादा लोग एक साथ जो है कर रहे हैं तो उस केस में जो अमाउंट है वो 8 दिन से ज्यादा का जो है नहीं काटा जा सकता है. ठीक है, अब जो है यहाँ पर तो बहुत पीआईपी मोड में ना, जो पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है उसमें बहुत छोटा छोटा दिखता है, तो ये दिक्कत है. तीसरा पॉइंट, डिडक्शन फॉर डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स. सो डिडक्शन कैन बी मेड फॉर डैमेज और डैमेज टू और लॉस ऑफ गुड्स ओनली व्हेन सच डैमेज और लॉस हैज इनकर्ड ड्यू टू हिज निग्लेक्ट और डिफॉल्ट डायरेक्टली और नॉट अदरवाइज. तो किसी एम्प्लॉय की वजह से जो है तुम्हें नुकसान हो गया, किसी सामान कुछ तुम्हारा टूट गया, कुछ या हो गया और उसकी गलती की वजह से हुआ है, तभी जो है तुम उस केस में उस चीज को डिडक्शन में लगा सकते हो. सो डिडक्शन शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ डैमेज कॉज्ड और लॉस. तो वही चीज हो गई, तो अंडरस्टूड है, जितने का तुम्हारा नुकसान हुआ उतना ही जो है तुम डिडक्शन में लगाओगे. सो डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन सप्लाइड बाय द एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट और हाउस बोर्डिंग. तो अगर हाउस अकोमोडेशन वगैरह दे रहा है तो उस चीज का भी जो है वो डिडक्शन में ले सकता है. अब जो है एक मिनट, तो भैया फटाफट से जो है वीडियो को कर देते हैं कवर, क्योंकि अब जाने का समय हो रहा है घर पे वापसी. तो डिडक्शन फॉर हाउस अकोमोडेशन हमारा हो गया था कवर. पांचवा पॉइंट, डिडक्शन फॉर एमिनिटीज एंड सर्विसेज. कोई भी एमिनिटीज या सर्विस अगर दे रहा है एम्प्लॉयर, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर भी हो सकता है, कुछ भी सप्लाई कर रहा है, तो वो चीज की भी डिडक्शन में ले सकता है. वो डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस लाइक टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे होता है, इन सब को भी ले सकते हैं डिडक्शन में. डिडक्शन फॉर इनकम टैक्स ये भी जो है उसके अंदर, अरे ये भी जो है कवर बिल्कुल हो सकता है. ठीक है जी. सो डिडक्शन ऑफ पीएफ प्रोविडेंट फंड में अगर हो रहा है वो ले सकता है वो. डिडक्शन विद कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन जैसे एलआईसी पॉलिसी, ये सारे भी आ सकती है इसके अंदर. डिडक्शन फॉर ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फीस ये भी हो सकता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशन रिलीफ फंड इस तरीके कुछ हो सकता है. कई चीजें पॉइंट लिखे हुए हैं, बुक जो आप रेफर कर रहे हो उसमें से देख सकते हैं. मैक्स अमाउंट फॉर डिडक्शन सेक्शन 7 का 3 कह रहा है कितना अमाउंट मैक्सिमम डिडक्शन के लिए ले सकते हैं. तो 75% ऑफ द वेज इन केस वेयर डिडक्शन इज होली और पार्टली मेड फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी और 50% ऑफ वेज इन अदर केसेस. तो जी ये था हमारा वेज का टॉपिक. वीडियो को जो फटाफट से खत्म करते हैं, अब जाने का समय आ रहा है. चलो जी यही था इस वीडियो के अंदर. वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो नहीं लीजिए कर लीजिएगा, और बाकी सब्सक्राइब वगैरह बहुत ही बढ़िया जल्दी जल्दी करूंगा यहाँ पर मैं. कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए. बाकी डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट के लिंक्स दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ, कॉल बिफोर ऐप का भी लिंक दिया हुआ, वहां पर आप आके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलो जी थैंक्स वॉचिंग टू बी वेल. प्रतीक्षा में साइनिंग आउट. बाय बाय, टेक केयर एंड कोरोना से बच के.